4 फरवरी 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच इसी तारीख को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की दूसरी पारी में अनिल कुंबले ने 10 विकेट लेकर एक अनोखा कीर्तिमान बना दिया था। कुंबले के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन के चलते भारत ये मैच 212 रन से जीतने में कामयाब हुआ था। कुंबले के अलावा भारत की इस जीत का एक और नायक था जिसने अपनी बल्लेबाजी से भारत की इस जीत में बड़ा योगदान दिया था। उस दुबले पतले बाएं हाथ के बल्लेबाज का नाम है सदगोपन रमेश। वो सदगोपन रमेश जिसने अपने पहले ही सीरीज में वसीम अकरम, वकार और शकलैन मुश्ताक जैसे दिग्गज गेंदबाजों का डटकर सामना किया और उनके सामने खूब रन भी बनाया। वो सदगोपन रमेश जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। आज के इस वीडियो में हम आपको सदगोपन रमेश के प्रारंभिक जीवन, उनके क्रिकेट करियर और क्रिकेटर से एक्टर बनने तक के सफर के बारे में बताएंगे। सदगोपन रमेश का जन्म 13 अक्टूबर 1975 को भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बचपन से ही रमेश का मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलकूद में लगता था। जब रमेश 10 साल के हुए तब उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। विश्व क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज अपनी पहचान बनाने वाले रमेश शुरुआत में एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। तमिलनाडु की अंडर 13 टीम में सेलेक्ट होने के लिए उन्होंने ट्रायल मैचों में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी उनका चयन अंडर 13 टीम में नहीं हो पाया और इससे तंग आकर उन्होंने अपने इस फैसले को बदल कर स्पिन गेंदबाज बनने का फैसला किया। अपने इस फैसले पर रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तेज गेंदबाज बनने में बड़ी मेहनत लगती है और जब इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें तमिलनाडु की अंडर 13 टीम में पिक नहीं किया गया तब वो निराश हो गए और इसी वजह से उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला किया। कुछ समय बाद रमेश का बतौर ऑफ स्पिनर तमिलनाडु की अंडर 16 टीम में चयन हो गया। वक्त के साथ रमेश के खेल में और सुधार होने लगा और वो अपनी टीम के लिए एक स्पिन ऑलराउंडर की हैसियत से खेलने लगे। इसके बाद रमेश के साथ एक क्लब मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रमेश स्पिन ऑलराउंडर से एक स्पेशलिस्ट ओपनर बन गए। दरअसल उस मैच से पहले रमेश की टीम के एक सलामी बल्लेबाज चोटिल हो गए और टीम के सामने पारी की शुरुआत किससे करवाई जाए ये समस्या पैदा हो गई। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने रमेश पर भरोसा जताया और उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। रमेश को ओपनिंग रास आ गई। उस मैच में उन्होंने ओपनिंग करते हुए 196 रन की पारी खेल डाली। वर्ष 1995 में हैदराबाद की टीम के खिलाफ रमेश ने अपना रणजी डेब्यू किया। इस मैच में रमेश ने पहली इनिंग में 59 और दूसरी इनिंग में 132 रन की पारी खेलकर अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच को यादगार बना दिया। फिर आने वाले समय में रमेश घरेलू क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 1998-99 का रणजी सीजन रमेश के लिए बेहद खास रहा था। इस साल रमेश ने रणजी मैचों में 52 की औसत से रन बनाया। इसी दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आ रही थी और इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। सिद्धू के संन्यास और घरेलू क्रिकेट में रमेश के अच्छे प्रदर्शन ने उनके लिए इंडियन टीम के दरवाजे खोल दिए। रमेश को पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल कर लिया गया। ये वो समय था जब सचिन और गांगुली की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट में ओपनिंग का जिम्मा पूरी तरह से संभाल लिया था, लेकिन टेस्ट मैचों में भारत अभी भी सलामी जोड़ी को लेकर परेशान थी। टीम ओपनिंग के लिए नयन मोंगिया, सबा करीम, अजय जडेजा और लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों पर निर्भर रहती थी जो उस पोजीशन के लिए स्पेशलिस्ट नहीं थे, लेकिन रमेश के टीम में आ जाने से ऐसा लगने लगा कि अब भारत की ये समस्या खत्म हो जाएगी। रमेश ने अपना टेस्ट डेब्यू 1999 में पाकिस्तान की टीम के खिलाफ अपने घरेलू मैदान चेपॉक में किया था। इस मैच में रमेश का स्कोर था 43 और 5 रन। मैच में रमेश की बल्लेबाजी से कप्तान अजरुद्दीन काफी खुश हुए थे। जब पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रमेश पवेलियन लौटे तब अजरुद्दीन ने रमेश को गले लगाकर कहा कि उन्होंने आज तक किसी युवा खिलाड़ी को वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे गेंदबाजों को इतनी अच्छी तरह से खेलते हुए नहीं देखा है और उन्होंने रमेश को एक जोड़ी जूते भी भेंट दिया। इसके बाद दिल्ली में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में रमेश के खेल में और ज्यादा निखार देखने को मिला। रमेश ने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 60 और दूसरी इनिंग में 96 रन की पारी खेलकर भारत की इस जीत में बड़ा योगदान दिया। अपने करियर के दूसरे टेस्ट मैच में
वसीम अकरम, वकार यूनिस और शकलैन मुश्ताक जैसे गेंदबाजों के सामने रमेश ने जिस तरीके की पारी खेली थी वो वाकई में सराहनीय थी। लेकिन इतना उम्दा प्रदर्शन करने के बावजूद भी इस टेस्ट मैच को सिर्फ और सिर्फ अनिल कुंबले के लिए याद किया जाता है। दरअसल फिरोजशाह कोटला में खेले गए इसी टेस्ट मैच में कुंबले ने एक पारी में सभी 10 विकेट झटक कर इतिहास रच दिया था। कुंबले के शानदार गेंदबाजी के सामने रमेश का प्रदर्शन फीका पड़ गया था। आपको बता दें, रमेश इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। दो मैचों के इस टेस्ट सीरीज में रमेश ने 51 की औसत से 204 रन बनाया था। पाकिस्तान के बाद रमेश ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी खूब रन बनाया। इस तरह पहली तीन टेस्ट सीरीज के बाद रमेश का औसत 50 से भी ऊपर का था। टेस्ट मैचों में बेहतरीन खेल दिखाने के बाद रमेश को भारत की वनडे टीम में भी जगह मिल गई और वनडे में भी रमेश ने कुछ कमाल की पारियां खेली, जिसमें 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में उनके द्वारा खेली गई 82 रन की पारी शामिल है। रमेश 1999 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। इस वर्ल्ड कप के 5 मैचों में रमेश ने 28.80 की औसत से 144 रन बनाया था और उनका सर्वाधिक स्कोर था 55 रन जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। टेस्ट मैचों की तरह रमेश वनडे में उस प्रभावशाली तरीके से रन नहीं बना पाए। ऐसे में रमेश का वनडे करियर 1999 के मार्च महीने से शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हो गया। 1999 का साल खत्म होते होते रमेश का बल्ला टेस्ट में भी शांत पड़ गया और इसी के चलते उनकी टेस्ट टीम से भी छुट्टी हो गई। फिर करीब 1 साल बाद रमेश ने दोबारा भारतीय टीम में वापसी की और ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये सीरीज रमेश के इंटरनेशनल करियर की आखिरी सीरीज साबित हुई। बताया जाता है कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रमेश का प्रदर्शन भले ही बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उनके प्रदर्शन से कोच जॉन राइट्स और कप्तान सौरव गांगुली खुश थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारत को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना था और गांगुली और जॉन राइट्स को इस दौरे के लिए रमेश से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन रमेश ने चोट का हवाला देते हुए टीम सिलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया। फिर 2003-04 के बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए रमेश की टीम इंडिया में वापसी हुई। रमेश ने इस दौरे के प्रैक्टिस मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले सुनील गावस्कर ने कहा था कि टेस्ट सीरीज के लिए सहवाग के साथ रमेश को ओपनिंग करने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन गांगुली ने रमेश के बजाय आकाश चोपड़ा को सहवाग का बैटिंग पार्टनर चुना। एक इंटरव्यू में रमेश ने उस दौरे के बारे में बात करते हुए कहा था कि सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों के बाद उन्हें लगा था कि आखिरी 2 टेस्ट मैचों में उन्हें आकाश चोपड़ा की जगह मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस टेस्ट सीरीज के बाद रमेश को फिर कभी इंडियन टीम में नहीं चुना गया और 2008 में रमेश ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सदगोपन रमेश ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में भारत के लिए 19 टेस्ट और 24 वनडे मैच खेला है। टेस्ट मैचों में रमेश ने 37.90 की औसत से 1367 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 143 रन रहा, जबकि वनडे में उन्होंने 28.08 की औसत से 646 रन बनाए और इस फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रन रहा। आपको बता दें कि रमेश के नाम क्रिकेट में काफी अहम रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल रमेश ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली ही बॉल पर वनडे क्रिकेट में विकेट लेने का इतिहास रचा था। उन्होंने ये कारनामा वेस्टइंडीज के खिलाफ सिंगापुर में किया था। वहां खेले गए मैच में उन्होंने निक्सन मैकलिन को आउट कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सदगोपन रमेश ने तमिल सिनेमा की तरफ रुख किया। उन्होंने 2008 में संतोष सुब्रमण्यम की फिल्म में काम किया। इस फिल्म के बाद बतौर लीड हीरो उन्होंने तमिल मूवी पोटापट्टी में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। अब तक के अपनी फिल्मी करियर में रमेश जेनेलिया डिसूजा, प्रकाश राज और सयाजी शिंदे जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। साउथ सिनेमा में मशहूर होने के बाद उन्होंने साल 2019 में स्वरस नाम के स्टूडियो में इन्वेस्ट किया है। बात करें रमेश के निजी जिंदगी की, तो उन्होंने वर्ष 2002 में अपर्णा नाम की लड़की से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी है। तो ये थी भारत के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश की कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।